हेलो स्टूडेंट्स एंड फ्रेंड्स, वेलकम टू द यूनिसाइटेक यूट्यूब चैनल। आज की इस वीडियो में क्या होने वाला है उसे जरा आप बड़े गौर से सुनिएगा। ये जो वीडियो है ये सभी एज ग्रुप वाले लोगों के लिए है, चाहे आप कोई भी हो, किसी भी एज के हो, किसी भी जेंडर के हो, या किसी भी फील्ड में वर्क कर रहे हो। आप स्टूडेंट हो या एक बिजनेसमैन हो या किसी भी फील्ड में हो, आपके लिए ये स्टोरी बहुत ही ज्यादा इंस्पायरिंग होने वाली है, ये मेरी गारंटी है। इस स्टोरी को जब मैंने पढ़ा तो मैं भी काफी इंस्पायर्ड हुआ और सोचा कि इससे जो मैंने कुछ सीखा वो आपके साथ भी शेयर करो, इसी वजह से मैंने ये वीडियो बनाया। तो इस वीडियो का जो टाइटल होने वाला है ये आप लोग खुद डिसाइड करोगे, मैं टाइटल नहीं बताऊंगा। और इस कहानी से मुझे क्या शिक्षा मिली है ये तो मैं बताऊंगा ही, लेकिन आपको क्या सीख मिली है आप ये कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। और वीडियो अच्छी लगी तो लाइक शेयर कर देना और सब्सक्राइब कर लेना अगर चैनल काम का लगे तो, और नहीं तो कोई बात नहीं है, डिसलाइक कर देना, ठीक है। तो चलो शुरू करते हैं। ये स्टोरी है, एक गांव में दो व्यक्ति ने ये डिसाइड किया कि वो शहर जाकर के कुछ पैसे कमाएंगे। और उसके लिए क्या किया, उन्होंने निर्णय लिया और अगले सुबह जो है वो चले गए शहर पैसा कमाने। छोटे मोटे वहां पे शहर में जाकर के काम को देखा उन्होंने और वहां से थोड़े बहुत जो पैसे कमाए उसे बचा करके वो एक अपना बिजनेस स्टार्टअप किए। दोनों ने अलग अलग अपने पैसे जो जमा किए हुए थे उससे बिजनेस को स्टार्टअप किया दोनों ने मिलकर के। अब होता क्या है कि दोनों का बिजनेस चलने लगा, आराम से मस्त जा रहा था एकदम, और काफी ज्यादा अच्छा ग्रो भी हो रहा था। लगभग 2 सालों में उन्होंने काफी अच्छे से तरक्की कर ली थी। उसमें से एक व्यक्ति ने जब देखा कि अरे वाह, मेरा तो बिजनेस अच्छा खासा ग्रो कर रहा है, बहुत ज्यादा अब तो मेरी लाइफ सेट हो गई है, अब तो मेरी लाइफ की जो है तरक्की की सीढ़ी आगे बढ़ती ही चली जाएगी, लेकिन उसके सोच के विपरीत उस साल उसके बिजनेस में काफी ज्यादा नुकसान पहुंचा, काफी ज्यादा इकोनॉमी जो है उसका खराब हो गया किसी कारणवश। तो वो जो ख्याली पुलाव पका रहा था, वो जो आसमान में उड़ रहा था, वो डायरेक्टली रियलिटी के धरातल पे आके गिर गया। तो फिर वो सोचने लगा, और ऐसे व्यक्ति ना बहुत अच्छे लगते हैं हमको, जो फेल तो हो जाते हैं चलो ठीक है, लेकिन फेल होने के बाद जो रोना, बैठकर रोना नहीं रोते हैं बल्कि उस चीज को फिक्स करने की कोशिश करते हैं, उस चीज के कारण ढूंढ करके और उसको ठीक करके और अपने आप को ग्रो करने की कोशिश करते हैं। तो ये भी व्यक्ति जो है, अब चलो ठीक है हो तो गया बिजनेस चौपट, लेकिन वो सोचने लगा कि वो कौन सी कारण है जिसकी वजह से मेरा जो बिजनेस है वो पूरी तरह से बर्बाद हो गया। तो उसके दिमाग में ख्याल आया उस दूसरे व्यक्ति के साथ के बारे में कि मैं क्यों ना उसके बिजनेस के बारे में जानने की कोशिश करूं। तो उसने बिजनेस के बारे में उसके जानने की कोशिश की कि उसके बिजनेस की स्थिति कैसी है, कैसी कंडीशन है। तो वो जानकर बड़ा हैरान हुआ कि दोनों बिजनेस सेम डे में और एकदम एक साथ बिजनेस स्टार्ट किया था और दोनों का बिजनेस भी सेम था। तो वो हैरान हो गया ये बात जान करके कि उसका बिजनेस जो है वो काफी मुनाफे में गया है, इस मंदी के दौर में भी काफी अच्छा खासा मुनाफे में गया है। तो ये इस बात की पता लगाने के लिए कि ऐसा क्या हुआ है जिसकी वजह से इसका बिजनेस मुनाफे में गया और मेरा नुकसान हो गया, इस बात की पता लगाने के लिए ये निर्णय लिया कि मैं जाकर उनसे ये पूछूंगा, ठीक है। तो फिर ये अगली सुबह निकल जाता है उस दूसरे व्यक्ति के पास। अब दूसरा व्यक्ति इसको देखकर काफी खुश होता है और इसके लिए काफी ज्यादा जो है, मतलब बढ़िया से जो होता है ना वेलकमिंग करना, ठीक है ना, वो काफी अच्छा आदर सत्कार करता है और कारण पूछता है आने का। तो ये बताता है कि भाई देखो ना, मेरा इस साल जो है बिजनेस में बहुत ज्यादा नुकसान हो गया है, तुम भी तो इसी लाइन में हो, लेकिन तुम बताओ कि तुम्हारा इस मंदी के दौर में भी इतना मुनाफा कैसे हुआ है। तब जो है दूसरे व्यक्ति ने बोला कि देखो भाई, मैं तो कुछ नहीं कर रहा, मैं तो बस सीखता रहता हूं। क्या करता हूं मैं? तो बस सीखता रहता हूं, कभी खुद की गलतियों से, कभी दूसरे की गलतियों से, मैं सीखता रहता हूं। और जब कभी मेरे ऊपर प्रॉब्लम आती है तो उस प्रॉब्लम से मैं कुछ सीख लेता हूं, कुछ शिक्षा लेता हूं, और उसके बाद जब उसी तरह की प्रॉब्लम कभी फिर दोबारा आती है तो क्या करूंगा, मैं सेम सिचुएशन में अटकूंगा नहीं, क्योंकि अब उस सिचुएशन का मेरे पास एक्सपीरियंस है, मैंने उससे कुछ सीखा है, इसीलिए मैं निकल जाता हूं और इसी वजह से मैं मुझे नुकसान नहीं होता है। और ये जो मेरे अंदर सीखने की जो क्वालिटी है ना, मेरे अंदर जो सीखने की टेंडेंसी है, आज इसी की वजह से मेरा बिजनेस में कोई नुकसान नहीं हो रहा है और मैं लगातार मुनाफे कमा रहा हूं। तो ये जो पहला व्यक्ति था उसके इस बात को सुन करके उसे अपनी गलती का एहसास हुआ। गलती क्या किया था उसने, देखो कभी कभी होता है ना, हम लोग टेम्पररी जो सक्सेस मिलता है हमें, जैसे आप एक स्टूडेंट हो, 10th क्लास में खूब टॉपर बन गए, क्लास टॉपर, स्कूल टॉपर, बहुत सारा कुछ अचीव कर लिए, तो आपको बेसिकली लगता क्या है ना कि आप बस एकदम टॉपर हो हमेशा के लिए। नहीं, वो बस एक क्षण भर के लिए है,
आगे फिर से आपको मेहनत करनी है क्लास में, लेकिन आप यही सोच लिए कि अरे मैं तो टॉपर हूं, तो हमेशा के लिए आप टॉपर नहीं होना, फिर नेक्स्ट क्लास में आपको उतना ही मेहनत करना होगा नेक्स्ट क्लास के टॉपर के लिए भी। लेकिन वो व्यक्ति क्या किया था, उतना ही पे रुक गया था कि भाई अब तो मैं सक्सेसफुल हो गया 2 साल की मेहनत में। लेकिन आप किसी भी फील्ड में हो, आप जब तक जिंदा हो ना, जब तक जी रहे हो, जब तक जिस फील्ड में आप हो, तब तक आपको मेहनत करनी होगी। मेहनत 1 साल 2 साल 3 साल 4 साल करने की चीज नहीं, मेहनत हमेशा करना पड़ता है, हमेशा आपको लड़ना पड़ेगा इस चीज के लिए, हमेशा सीखते रहना होगा इस फील्ड में, ठीक है। इस दुनिया में आपको रहना है, अगर आपको सक्सेसफुल बनना है तो आपको सीखते रहना होगा। तो बेसिकली वो निर्णय लेकर के निकला कि मैं आज के बाद सीखना बंद कभी नहीं करूंगा, और उसके बाद जो है उसका लाइफ काफी इंप्रूव हुआ। उसके बाद जो है उसने दोबारा मुड़ करके अपने पिछले गुजरे हुए समय को नहीं देखा, आराम से वो जो है अपना बिजनेस स्टार्टअप किया फिर से, और उसके बाद जो है लगातार वो सक्सेसफुल होता गया। इस कहानी से मैंने ये सीखा कि अगर आपको इस दुनिया में सक्सेसफुल बनना है ना, तो देखो फेलियर अलग चीज है, लेकिन फेलियर से कुछ सीखना ये अलग चीज है। अगर कोई आदमी फेल होता है कोई बड़ी बात नहीं है, लेकिन उस फेलियर को से सीखे नहीं और बार बार सेम गलती करते जाए, वो बहुत बड़ी प्रॉब्लम बन जाती है। सीखना बहुत जरूरी है। ये लाइफ एक रेस है, इस रेस में बने रहना है अगर आपको, तो हमेशा लगातार सीखना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि लगातार यहां डेवलपमेंट हो रहा है। आप खुद देखो ना, पिछले 5 साल 10 साल में कितना ज्यादा डिफरेंस आया है, टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट हुई है। अगर इस टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट में कोई आदमी पीछे छूट जाएगा तो क्या होगा, उसका लाइफ तो सर्वाइवल के लिए बहुत ही मुश्किल हो जाएगा। तो आपको टेक्नोलॉजी अगर बढ़ रही है तो उसके साथ साथ आपको भी अपने विचारों को चेंज करना पड़ेगा। आपको समझना पड़ेगा कि ये जो टेक्नोलॉजी है ये मेरे फायदे के लिए और मैं इसके लिए सीखूंगा। अगर नहीं सीखोगे तो आप टेक्नोलॉजी के क्षेत्र में पीछे रह जाओगे। तो कहने का मतलब है किसी भी फील्ड में सीखते रहना होगा, ठीक है। इस दौर में आपको लगातार दौड़ना पड़ेगा, दौड़ना मतलब सीखना पड़ेगा। जिसने दौड़ना बंद कर दिया, यानी कि जिसने सीखना बंद कर दिया, वो इस रेस के बाहर हो जाएगा। और यकीन मानो, अगर आपने दौड़ना बंद नहीं किया, आप लगातार दौड़ रहे हो, चाहे स्लो दौड़ो फास्ट दौड़ो, यानी कि स्लो सीखो या फास्ट सीखो, लेकिन अगर लगातार आप सीख रहे हो, तो दुनिया में समस्याएं आएंगी, जरूर आएंगी, लेकिन वो समस्याएं आपके सामने टिक नहीं पाएंगे। क्यों? क्योंकि आप सीख करके उस चीज को सॉल्व कर दोगे। सिंपल है, प्रॉब्लम आना इज नॉट अ बिग प्रॉब्लम। प्रॉब्लम को सॉल्व ना कर पाना, और सॉल्व करने का, चलो ठीक है, पहली बार लाइफ में कोई प्रॉब्लम आया है, ठीक है, जैसे कि स्कूल का लाइफ होता है और रियल लाइफ जो होता है, उसमें थोड़ा सा डिफरेंस ये है कि स्कूल में जो क्वेश्चन पेपर आपको दिए जाते हैं वो बिल्कुल वही क्वेश्चन होते हैं जो आपको क्लासरूम में पढ़ाए गए होते हैं, लेकिन लाइफ में ऐसा कुछ नहीं होता है। लाइफ में क्या होता है, आपके सामने ऐसी प्रॉब्लम्स आएंगी जो उसको पहली बार आपने फेस किया होगा, है ना। यानी कि ये जो प्रश्न पत्र हमको मिल रहा है लाइफ में, वो थोड़ा डिफरेंट होता है, ठीक है, उससे हम लोग अवगत नहीं हुए रहते हैं। तो हो सकता है उसमें हम गलत डिसीजन भी ले सकते, हो सकता है उसमें सही भी डिसीजन ले सकते। सही डिसीजन लिया तो सक्सेसफुल हो गए, गलत डिसीजन लिया तो फेलियर हो गए। लेकिन क्या है, अब उस फेलियर को पकड़ के रोना नहीं है, उससे सीखना है कि भाई मैंने ऐसा क्यों किया, गलती हुई, चलो ठीक है सुधारते हैं, इसको सुधारा जाएगा, है ना। तो फिर क्या बताओ कि कोई फेल हो पाएगा, कोई भी फेल नहीं हो पाएगा, ठीक है। तो इस कहानी से मुझे यही शिक्षा मिली कि हमेशा सीखते रहना चाहिए। अब इस कहानी का हेडलाइन क्या होना चाहिए आप कमेंट सेक्शन में बताना, और आपने क्या सीखा ये बताना। अच्छी लगे वीडियो तो शेयर कर देना फ्रेंड्स के साथ, उनको भी बताओ, और अगर बुरी लगे तो डिसलाइक कर दो भाई, डिसलाइक बटन भी तो है आपके पास, ठीक है। तो इस वीडियो में इतना है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए स्टे सेफ, हैव फन, जय हिंद, वंदे मातरम।